हम सभी को एक औरत की इज्जत और सम्मान करना चाहिए दोस्तों, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी एक परवरिश एक अच्छी माने की है। आप कोई भी किसी भी प्रकार की बातें करते थे तो उस समय उस बात को वे लोग इग्नोर कर देते थे। दोस्तों, आपकी बातों को कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। और दोस्तों, आप कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, ये बात आप जब भी किसी से शेयर करते थे तो दोस्तों लोग केवल और केवल उस बात को मजाक में ले लेते थे। और दोस्तों, बड़ी ही परेशानी से आप गुजर रहे थे तब भी लोग आपको सहायता नहीं देते थे। वहीं दोस्तों, यदि आपकी किसी ने सहायता की तो वो लोग आप लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने के लिए गुण विद्या करता था। परंतु दोस्तों, अब समय का पहिया घूम चुका है और आपको बता दूं कि अब आप बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ने वाले हैं। आपकी किस्मत और आपके ऊपर जादू टोना करने वालों का बुरा हाल होने वाला है। यहाँ तक कि आपके दुश्मन के जीवन में भी इतनी बड़ी परेशानियाँ आएंगी कि वो आपके सामने अब भीख मांगने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि अब आपकी कुंडली में शुभ ग्रह की स्थिति बहुत ही तेज़ी से होने वाली है। और दोस्तों, अब आपका हर समय हर क्षेत्र में आपकी इज्जत होगी, हर समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी राशि के संपूर्ण जातकों की जितने भी घातक दोष हैं वह समाप्त होने वाले हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों कि भगवान की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन काल में दोस्तों इस समय वो घटनाएं होने वाली हैं जिसे जानने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। और दोस्तों, आप इस समय केवल ये देखकर आप ये कहेंगे कि मिठाई तो बांटनी ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, खुशियाँ ही कुछ ऐसी आ रही हैं जहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मिठाई बांटने पर इस समय मजबूर होने वाले हैं। और दोस्तों, भगवान की कृपा से आप सभी को मैं बता दूं, इस समय आपके जीवन काल में सभी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। ये सभी सपने आपके सच होंगे जिनसे कि दोस्तों आपके परिवार में यानी कि दोस्तों आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ये सुनकर सोचा सपना इस समय दोस्तों आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं। हर क्षेत्र में दोस्तों आपको इस समय लाभ होने वाला है। वहीं दोस्तों, आप सभी को ये भी बता दूं, ग्रह की स्थितियां कुछ ऐसी हैं जहां आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों शुभ रहने वाली हैं और कार्य क्षेत्र में आपके लिए समय लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि दोस्तों इस समय आपको सावधान भी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों जब भी ग्रह शुभ स्थितियों में होते हैं उस समय दोस्तों आपकी एक और सावधानी आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। और इस समय दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे शुरू से लेकर अंत तक देखने का कष्ट ज़रूर करिएगा। आज के इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने वाली हैं कि दोस्तों आपका समय कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य करियर कैसा रहेगा, प्रेम संबंध राशिफल कैसा रहेगा। और दोस्तों, इन सभी की बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तथा दोस्तों, जो भी जातक इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि वो सच्ची श्रद्धा से जय माँ काली, जय शिव शंकर, जय शिव हरि ज़रूर लिखिएगा, ताकि दोस्तों आपके जीवन में जितनी ही बड़ी तकलीफ़ें हों, जितनी ही बड़ी समस्याएं हों, उन सभी का निवारण आप सभी को जल्द से जल्द मिल जाए। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन दो दिनों में आपकी कुछ खास सावधानियां और कुछ खास चेतावनियों के बारे में। दोस्तों, हर सपना सच और साकार होगा जिनके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक सुना आपने दोस्तों। अब बता दें कि नई स्थितियां आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी, जिन चीज़ों के लिए आप बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बड़ी ही कम समय में और बड़ी ही जल्दी सफलता में वे सारी दिक्कतें और तकलीफें अब आपकी दूर होने वाली हैं और सभी प्रकार के राजयोग केवल और केवल आपकी कुंडली में आने वाले हैं। दोस्तों, अपने जीवन में से काफ़ी फैसलों लेने के लिए आप काफ़ी प्रयासरत रहिए तो दोस्तों आपका फैसला बहुत ही प्रेम संबंध साबित भी हो सकता है।
क्योंकि दोस्तों आपको जो है मन के मुताबिक कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे आपको बहुत ही रहम मिल सकता है। स्पेशली युवाओं को दोस्तों, आज युवाओं को बहुत ही बढ़िया मौका मिलने जा रहा है। दोस्तों कभी कभार आपके अंदर अहम की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से दोस्तों को समझने में तनाव पैदा हो सकता है। बेहतर यही होगा कि दोस्तों आपको अपनी योजनाओं को ज़रा पॉजिटिव रूप से देख लीजिए। दोस्तों फ्रेंड्स के साथ में मौज मस्ती में समय जो है वो ज़ाया मत करिएगा। कार्यों पर जो है आपको फोकस करने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ सही रहेगा। जो भी दोस्तों प्लानिंग आप बना रहे हैं, वे बनाने वाले हैं, उसे दोस्तों अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र का रूप देना सही रहेगा। और दोस्तों काम आपकी जो है आपकी अकॉर्डिंगली अच्छा रहेगा और काफ़ी जल्दी पूरा होता हुआ नज़र आएगा, यानी कि आपको काफ़ी अच्छा काम मिलने को मिलेगा। और दोस्तों नया काम शुरू करिए, जीवन लाभ के लिए आपका जो है जीवन पीछे छूट रहे थे, इन बातों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों आपको जो है अधूरे काम भी आज के दिन पूरे कर लेने चाहिए, समय आपके साथ में है। दोस्तों काम से जुड़ी किसी भी योजनाओं को हल्के में ना लीजिएगा। जो भी दोस्तों जो भी चीज़ें हैं, ज़रा आपको सीरियस होकर करनी चाहिए। दोस्तों धार्मिक और आध्यात्मिक जो भी चीज़ें हैं, आज दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव हो सकती हैं। हालांकि दोस्तों आपकी आस्था जो है वह भगवान के प्रति ज़्यादा रहने वाली है, काफ़ी पॉजिटिव भी रहने वाले हैं आप। दोस्तों जैसे जो है मानसिक ऊर्जा आपको मिल सकती है, सकारात्मक जो है आपका भावनात्मक रहेगा। और दोस्तों सभी कार्यों को जो है योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता, चलिए दोस्तों समय आपके पक्ष में रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों कभी कभार लापरवाही और ज़्यादा आत्मविश्वास की वजह से धोखा भी मिलता है आपको। कुछ समय दोस्तों आपको चिंतन में ज़रूर समय बिताएं। सबसे पहले आप ये बात सोच लीजिए कि ये चीज़ सही है या फिर नहीं सही है, फिर ही दोस्तों आप जो है अपने काम को प्रैक्टिकल तौर पर करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दोस्तों फ्रेंड या फिर किसी अनोन पर्सन के साथ में भी दोस्तों धन को लेन देन संबंधित कोई वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं, इसलिए दोस्तों ज़रा बैलेंस बनाकर रखना होगा। ज़्यादा जो है अपने बैलेंस को डिसबैलेंस मत करिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं बिजनेस और करियर के बारे में। बिजनेस और करियर में राजनीतिक और दोस्तों प्रभावशाली लोगों के साथ में संपर्क स्थापित होते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि आपको काफ़ी बढ़ाने भी चाहिए यदि आपको मौका मिल रहा है। उनके द्वारा दोस्तों आपके व्यवसाय का लाभ होगा। ज़मीन जायदाद संबंधी काफ़ी अच्छे संबंध होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। अपने डेली रूटीन में भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। ऑफिस के कार्यरत हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है आपको। दोस्तों अपने कार्यों से रिलेटेड दृष्टिकोण आपको थोड़ा बदलता हुआ नज़र आ सकता है, जिसकी वजह से आप दुगनी तेज़ी से के साथ जो है वो काम आप कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों समय काफ़ी अनुकूल रहेगा आपके लिए। व्यावसायिक गतिविधियां कई लोगों की जो हैं धीमी भी चल सकती हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि सेल्फ स्टडी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी काम में रुकावटें नहीं आएंगी, ज़रूरी फैसलों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। जल्दी से जो है समय अनुकूल हो सकता है। ऑफिस में किसी के साथ में उलझने बढ़ सकती हैं। काम से जुड़े हुए लोगों को तकलीफें हो सकती हैं, इसलिए दोस्तों काम से जो है आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो सकता है। आपको अपने फोकस को जो है इच्छा शक्ति पर काबू रखने की आवश्यकता है। उसको जो है उसके लिए आपको फोकस करना होगा, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों इन बातों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।